subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना की मुमकिन दूसरी लहर, फाल मरीजों की तादाद में बदतदरीज इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथों बैठे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है, हम मौजूदा रास्ता तब्दील नहीं करेंगे तो जिंदगी और मौत से महरूम हो जाएंगे। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम का अहम इकदाम, जखीरा अंदोजी की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क दे दिया। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। कार्रवाइयों की रिपोर्ट बराह रास्त वजीर आजम इमरान खान को पेश की जाएगी। इस्तदा करना जुर्म है तो करते रहेंगे, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहा तो इसमें क्या बुराई है। पुलिस मेरे दरवाजे को नहीं तोड़ सकती थी, ये नालायक मुझे मज़ारों का अदब क्या सिखाएंगे। नगोर्नो काराबाग में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गहरी तश्वीश है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अजरबैजान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुश्किल वक्त में अजरबैजान की क़यादत और आवाम के साथ हैं, हम नगोर्नो काराबाग से मुतालिक अजरबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नरम मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में होने वाले वाकये का नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में पेश आने वाले वाकये का नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को मामले की फौरी तहकीकात करने की हिदायत दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हकायक तक पहुँच कर जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है। दूसरी जानब बिलावल हाउस के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया है। इस टेलीफोनिक रबते में कराची में पेश आने वाले वाकये पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची वाकये पर शफाफ इंक्वायरी पर आर्मी चीफ के अहकाम को भी सराहा और आर्मी चीफ की जानब से कराची वाकये का नोटिस लेने पर सताइश का इजहार किया। वाजह है कि गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज के खावंद कैप्टन सफदर पर मजार कायद में नारेबाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तार और रिहाई के बाद सिंध में इस वक्त नई सूरत हाल ने जन्म लिया, जब IG समेत सिंध पुलिस के आला अफसरान ने छुट्टियों पर जाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची वाकये पर आर्मी चीफ का नोटिस लेने का खैर मकदम किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 625 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमू केसेस की तादाद 3,24,084 हो गई। अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,07,950 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 9,461 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 625 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमू केसेस की तादाद 3,24,084 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 9,461 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,07,950 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमू
हुई अमवात की तादाद 6673 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 142,134, पंजाब में 101,760, खैबर पख्तूनख्वा 38,708, इस्लामाबाद में 18,187, बलोचिस्तान में 15,704, आजाद कश्मीर 3,507 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,084 तादाद हो गई। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर का कहना है कि हम कोरोना के तमाम SOPs को नजरअंदाज करके गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना से यौमिया अमवात की तादाद 12 रही। कोरोना वबा से अमवात की शरह चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में 140% ज्यादा है। इस तनाजर में हम कोरोना के तमाम SOPs को नजरअंदाज करके गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। असद उमर ने कहा कि हम मौजूदा रास्ता तब्दील नहीं करेंगे तो जिंदगी और मुआश से महरूम हो जाएंगे। कोरोना SOPs को नजरअंदाज करने के नतीजे जाहिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि मसले की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पा लिया तो सूरत हाल में नुमायाँ बेहतरी आएगी। इंतज़ामिया यकीनी बनाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन हो। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क दे दिया। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9,000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत महंगाई कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क मिल गया। इजलास में पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9,000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। टाइगर्स फोर्स कमिश्नर इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर निशानदेही करेंगे। शहर की तमाम दुकानों पर रेट लिस्ट ओवर चार्जिंग की मॉनिटरिंग होगी। टाइगर्स फोर्स जरूरत से ज्यादा स्टॉक या जखीरा अंदोजी की निशानदेही करेगी और टाइगर फोर्स की निशानदेही पर जिला इंतजामिया फौरी कार्रवाई करेगी, जबकि रेट लिस्ट आवेजा न करने या ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने होंगे। कार्रवाईयों की रिपोर्ट बराह रास्त वजीर आजम इमरान खान को पेश की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मसले की असल वजह जखीरा अंदोजी है, जखीरा अंदोजी पर काबू पा लिया तो सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आएगी। इंतजामिया यकीनी बनाए, जखीरा अंदोजी में मुलविस अनासे के खिलाफ सख्त एक्शन हो। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दामाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं मास इस्तदा करना जुर्म है तो करते रहेंगे, मादर मिल्लत नवाज शरीफ का पैगाम लेकर चला हूँ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दामाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं मां से इस्तदा करना जुर्म है तो करते रहेंगे। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने कहा कि मादरे मिल्लत जिंदाबाद तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने कहा कि हर 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत के मजार पर जाकर मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि मादरे मिल्लत और नवाज शरीफ का पैगाम लेकर चला हूँ। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि FIR कटवाने वाला खुद कानून को मतलूब है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ये भी कहना है कि पुलिस मेरे दरवाजे को नहीं तोड़ सकती थी, ये नालायक मुझे मजारों का अदब क्या सिखाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अजरबैजान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात, अजरबैजान अर्मीनिया कशीदगी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अजरबैजान के वजीर खारजा ने हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नगोर्नो काराबाग में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का आजरबैजान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात, आजरबैजान आर्मीनिया कशीदगी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नगोर्नो काराबाग में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। आजरबैजान की देही आबादी पर आर्मीनिया की भारी गोलाबारी काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में आजरबैजान की क़यादत और आवाम के साथ है। हम नगोर्नो काराबाग से मुतालिक आजरबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। आजरबैजान और आर्मीनिया में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीरे ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फरीकैन में पायदार अमन का इन्हिसार सलामती कौंसिल की क़रारदादों पर अमल दरामद पर है। आजरबैजान के इलाकों से आर्मीनियाई अफवाज को इनखला करना होगा। उन्होंने कहा कि आजरबैजान की OIC राबता ग्रुप समेत आलमी फॉर्म्स पर निहत्ते कश्मीरियों की हिमायत काबिल तहसीन है। पाक आजरबैजान वज़ीर खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात की नौयत पर इत्मीनान का इजहार किया। आजरबैजान के वजीर खारजा ने हालिया तनाजे में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा दोनों वज़ीर खारजा ने तजारत
تعلیم کلچر سمیت کثیر الجہتی شعبہ جات میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کی دعوت شکریہ کے ساتھ قبول کر لی. مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.